फ्रेंड्स, सबसे पहले वोडाफोन और आइडिया की तरफ से बताया गया कि 1 दिसंबर से उसके प्लान महंगे होने वाले हैं। उसके बाद एयरटेल ने भी घोषणा की कि 1 दिसंबर से उसके भी प्लान महंगे हो जाएंगे। फ्रेंड, यहां पर जो प्लान महंगा होने का मेन कारण था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा AGR देना था। यहाँ पर कहा गया था कि उसे जल्दी से जल्दी AGR दे देना है। यहाँ पर टोटल जो AGR बकाया बताया गया था वहाँ पर 83,000 करोड़ रुपये बताया गया था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वोडाफोन और आइडिया परेशान हो रही थी, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया ऐसे ही घाटे में जा रही थी, उसे बहुत घाटा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर AGR जो देने की बात कही गई, इससे वोडाफोन और आइडिया और काफ़ी परेशान हो गया, जिससे कि उसने परेशान होकर यहाँ पर प्लान को बढ़ाने की बात कही थी। फ्रेंड, यहाँ पर टोटल AGR बताया गया था कि 83,000 करोड़ देना है, जिसमें कि एयरटेल को 43,000 करोड़ देना था और वोडाफोन और आइडिया को 40,000 करोड़ देना था। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर जो देने की सीमा थी वह थी 24 जनवरी तक। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर बहुत बड़ी राहत मिल गई है इस कंपनी को, यहाँ पर अच्छी खबर आई है। यहाँ पर फ्रेंड, सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को बहुत बड़ी राहत दी है। यहाँ पहले AGR चुकाने की समय सीमा 24 जनवरी तक ही थी, यानी कि AGR 24 जनवरी तक सारी कंपनी को दे देना था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ी राहत दी है और 2 साल की और समय सीमा दे दी है, जिससे कि सारी कंपनियाँ अगले 2 साल तक AGR चुका सकती है। इससे फ्रेंड कंपनी को तो फायदा हुआ ही, लेकिन आने वाले समय में कस्टमर को भी काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड कंपनी ने बताया था कि 1 दिसंबर से उसका प्लान बढ़ने वाला है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर समय सीमा अधिक मिल गई है, जिससे कि कंपनी हो सकता है कि प्लान तो बढ़ाए लेकिन प्लान का रेट कम बढ़ाए, क्योंकि फ्रेंड पहले बहुत कम समय था जिसके कारण कंपनी को काफ़ी प्राइस बढ़ाना पड़ता, लेकिन समय सीमा मिलने के कारण अब जो प्राइस बढ़ेगा हो सकता है कि बहुत कम या बहुत माइनर प्राइस बढ़े, जिससे कि आप पर कोई खास असर नहीं पड़े। लेकिन फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि AGR लगने के बाद कंपनी कितनी प्लान को बढ़ा सकती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें।